जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया में MTS की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आप 12वीं पास हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन लेटर के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन लेटर कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन लेटर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, आपकी दोस्तों एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और दोस्तों आपकी सैलरी क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने होंगे, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया, इसके बाद ये एड्रेस दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर से पहले आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड बंगाल में ये वैकेंसी निकाली गई है, MTS की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 9 पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था, 10वीं पास आउट आपको होना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। आपकी उम्र दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 1 का रहेगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी इसके बारे में। साथ ही अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो जानकारी है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, आप पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो सेंड कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस रहेगा दोस्तों, आपका जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन लेटर इनकम्प्लीट पाए गए, इनएलिजिबल पाए गए, तो दोस्तों आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जो ट्रेड का एग्जाम है वो भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, आपको 2 सेल्फ एड्रेस न्यूलप सेंड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों, आपको अपनी फोटो, आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपकी डोमोसाइल, आपके 10वीं के 12वीं के सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे कैसे फिल करेंगे, और दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ 1 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और दोस्तों, अगर डाउनलोडिंग की बात करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा। पोस्ट का नाम में आप सिंपली जो है MTS लिख देंगे, और कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पर मैंसन करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होगी। सबसे पहले पोस्ट फॉर विच अप्लाइड, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर जो लिखा था वही सेम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका सेक्स, आप मेल है या फीमेल है, आपकी DOB, आपकी जो DOB है दोस्तों बिल्कुल सही होनी चाहिए। और दोस्तों, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट, यानी कि 2 दिसंबर को आपकी एज कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करके आपको यहीं पर मेंशन करनी होगी। फुल पोस्टल एड्रेस, आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपका एड्रेस दोस्तों बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड या फिर कोई और डिटेल आए तो वो आसानी से आपके पास पहुँच जाए। आपका मोबाइल नंबर, आप अपनी मेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो दूसरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेशनलिटी और रिलीजन, नेशनलिटी में आप सिर्फ जो है इंडियन लिखेंगे, और रिलीजन में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है आप यहाँ पर फिल करेंगे। कास्ट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी कास्ट का नाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने 10वीं की है, 12वीं की है या फिर कोई और डिग्री डिप्लोमा है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपके जो सर्टिफिकेट है, आपकी जो मार्कशीट है वो भी आपको अटैच करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपने बनवा रखा है तो उसकी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपकी बॉडी पर कोई कट हो, कोई मोल हो, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको डालने हैं, कोई और अदर इन्फॉर्मेशन जो आप डिपार्टमेंट को अभी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी ये डिक्लेरेशन दी गई है, आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। एनक्लोजर्स में यहाँ पर आपने जोन जोन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनकी लिस्ट आपको डालनी होगी। इसके बाद नीचे चलकर दोस्तों आपको फिल नहीं करना है, ये केवल ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली, तो दोस्तों इसे आपको फिल नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप इसे फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो सिर्फ आपको इस लाइन से ऊपर ऊपर का फिल करना होगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई और वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।